हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल सिविल इंफॉर्मेशन में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। गाइस, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, हम बात करने वाले हाउ टू यूज़ रीबार। हम रीबारिंग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, वो टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं। तो हमें रीबारिंग क्यों करना पड़ता है और उसको कैसे करते हैं, हम आज मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो भाई, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम रिबारिंग किस लिए करते हैं कि अगर हम कोई भी जगह डोवेल्स निकालना भूल गए या हमारा गलती से वो रह गया है, फिर बाद में हमें उसको काम करवाना है वहाँ पर, या कोई हमारी आरसीसी वर्क करवाना है, हम उसको डोवेस्ट निकालना भूल गए, तो अब इसके लिए हम रिबारिंग का यूज़ करते हैं। और रिबारिंग कैसे करते हैं आज आपको वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे हमने रिबारिंग किया। सबसे पहले हमें करना क्या, उसके अंदर हमें होल करना होता है कि हमारा अगर 12 mm का सलिया है तो हमें 14 mm का या 14 mm का हमें होल करना पड़े। अगर 10 mm का है तो 12 mm का हमें होल करना पड़े, क्योंकि सलिया अंदर वो भी रोड तो आसानी से अंदर चला जाए। इसके लिए हमें सबसे पहले होल करना पड़ता है। उसके बाद हमें करना क्या पड़ता है, मैं आपको वीडियो के अंदर हम जैसे जाते हैं ऐसे आपको बताते जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रिबारिंग करके स्टील को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली बांध लिया है यहाँ पर। तो केमिकल किस तरीके से लगाते हैं वो भी आपको हम बताने वाले हैं। तो गाइस, केमिकल हमें सबसे पहले अंदर होल के अंदर डालना है। होल के अंदर हमें सबसे पहले केमिकल डालना है, फिर उसके बाद हमें ऊपर से डालना है। देख, यहाँ पर आप देख सकते हैं सलिया ऐसे हमारा वो जॉइंट हो जाता है, वहाँ से वो हिलता भी नहीं है। इस तरीके से वो हमारा केमिकल जॉइंट हो जाता है। और वो हम कौन सी कंपनी का अभी हमने यहाँ पर यूज़ किया है, वो है हमारा डिवोल्ट कंपनी का जो केमिकल आता है उसको हमने यहाँ पर यूज़ किया है। आप ये देख सकते हैं जो केमिकल हमने यूज़ किया है वो वाला हमने डिवोल्ट का यूज़ किया है। अभी आप देख सकते हैं हम किस तरीके से केमिकल हमें कैसे लगाना है, क्यों लगाना है। कि केमिकल हमें सबसे पहले तो अंदर डालना है होल के अंदर, उसके बाद हमें बाहर लगाना है, उसको अच्छी तरीके से लगाना है, क्योंकि हमारा जो केमिकल होगा वो उसके हिसाब से हमारा एकदम टाइट हो जाएगा। और हमारा जो डोवेल्स हम भूल गए वो हम इस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं। आप केमिकल देख सकते हैं यहाँ पर, और सलिया भी आपको वीडियो के अंदर देखा होगा कि किस तरीके से वो एकदम फिक्स हो जाता है कि वो जगह से मिलता भी नहीं है। और ख़ास ध्यान रखनी है हमें कि केमिकल अंदर पहले होल में डालना है, उसके बाद हमें सलिया घुसाना है। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तब तक सबसे पहले।